लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। किसान कायदे रद्द करा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादाजी नहीं चलेगी, चलेगी नहीं चलेगी, दादाजी नहीं चलेगी, चले जाओ, चले जाओ, मोदी सरकार चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, मोदी सरकार चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, मोदी सरकार चले जाओ, मोदी सरकार, हाय हाय, 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 मोदी सरकार, हाय हाय। कांग्रेस नेता और इंटक के नवी मुंबई जिलाध्यक्ष रविंद्र सावंत ने आज किसानों के भारत बंद को समर्थन करते हुए नवी मुंबई के नेरुल में मोर्चा निकाला और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस के नेता संतोष शेट्टी, महिला नेता नीला लीमय, सानी पदाधिकारी विद्या भांडेकर समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। इंटक जिलाध्यक्ष रविंद्र सावंत ने कहा कि मोदी सरकार तानाशाह की तरह काम कर रही है। सरकार की नीतियों के कारण ही किसान और नौजवान आर्थिक संकट में हैं, महंगाई बढ़ रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार सरकारी कंपनियों को कारपोरेट घरानों के हाथ में बेचकर देश को दूसरी गुलामी की ओर ले जा रही है, इसलिए ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। अमेरिका ला जायला वेळ आहे पंतप्रधान ला, दुसरा देश भर फिरायला वेळ आहे, जुंबलो माझी करायला त्यांना वेळ आहे। बाकी आज शेतकरी अन्नदाता, आज अन्नदाता मुले आम्ही तुम्ही आहे सर्व। काँग्रेस पक्षाने शेतकऱ्यासाठी भरपूर कायदे आणलेले आहेत, APMC पासून सर्व सर्व आज सर्व मोडण्याचे काम हे भंडोदाल, जसं की अंबानी अदानीचं पोट भरण्यासाठी त्यांना मक्तेदारी, त्याच्या मक्तेदारी वाढवण्यासाठी आज हे केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्याची पूर्ण काँग्रेस पक्ष, पूर्ण भारत देशाची जनता, सर्व पक्षीय BJP वगळून सर्व पक्षीय आज विरोध करतात, त्यासाठी काँग्रेस पक्षसुद्धा विरोध करणे हे सरकारला लाज वाटलं पाहिजेत। त्याच्यासाठी आम्ही सर्वांना विनंती आहे, देशवासियांना, हे सरकारला लवकर लवकर तुम्ही पाडा। आज जो आंदोलन है वो सभी जो सेंटर में जितने विरोधी दल है उन्होंने मिलके किया है, और कुछ भाजपा के कामगार संगठनाएं भी इसमें है। और आपको पता है ये किस लिए है? ये जो अपना शेतकरी है, अपना जो किसान है, जो 11 महीने से हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर बैठा हुआ है, उसके तरफ ये केंद्र सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। मराठी जलामंडळ ये आंदोलन चिरडली गेलेली आहे, तो ऐसा उनका व्यवहार रहा है। और सबसे महत्व की बात ये है कि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं, तब इस बारे में कोई चर्चा भी नहीं कर रहा, ये सबसे बड़ा खतरा है। ना ये चर्चा है किसानों के बारे में हो रही है, ना ये चर्चा है कामगार के बारे में हुई है। कामगार कानूनों में भी बदलाव आ रहा है लेकिन उसमें भी कोई चर्चा नहीं हो रही है, ये सबसे बड़ी बात है। और आपको पता है अभी जब अपने प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गए थे तब कमला हैरिस जो उनकी वहाँ की उपराष्ट्रपति है उन्होंने भी ये उनको खड़े बोल सुनाए हैं, डायरेक्टली नाम नहीं लिया लेकिन उनको ये सुनाया है कि लोकतंत्र बचना चाहिए चाहे कुछ भी हो। और उसी को लेकर आज भारत बंद सभी हम लोग कर रहे हैं। और मुझे ये बहुत हम आभारी है कि व्यापारी लोग बहुत संकट में रहे हैं कोरोना स्थिति में, फिर भी उन्होंने इसको सपोर्ट किया है, और वो उन किसानों के लिए, वो काम मजदूरों के लिए वो सपोर्ट है, ऐसा मैं मानती हूँ। वहीं कांग्रेस नेता रविंद्र सावंत ने मोदी सरकार को अदानी और अंबानी का एजेंट बताया और किसान कानून रद्द करने की मांग के साथ ही मोदी सरकार चले जाओ का नारा दिया। ये तानाशाही सरकार है, सरकार ने जाके वहाँ पे खुद शेतकरी के आंदोलन में जाके वहाँ पे मसला सुलझाना चाहिए था, क्यों सरकार वहाँ पे नहीं जा रही है? आप सोचिए ना क्यों नहीं जा रही है, वो दिशा भूल कर रही है, जनता का दिशा भूल कर रही है ये सरकार, ये अदानी अंबानी की सरकार है। आपने देखिए पूरा प्राइवेटाइजेशन करके, पूरा बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया, रेल का प्राइवेटाइजेशन, जो इंदिरा गांधी जी ने जो बैंक का सक्षमीकरण किया था, जो सरकारी धोरण लाके जो सबको जो न्याय देने का काम किया था, जैसे इंदिरा गांधी ने एक कायदा लाया था कसेल तेजी जमीन, वो कायदे से कितना लोगों का फायदा हुआ था, आज ये पूरा जमीन बेचने का काम सिर्फ अदानी अंबानी के लिए कर रहे हैं, ये एजेंट है अदानी अंबानी के, ये मोदी सरकार। देशाचे पंतप्रधान जे मोदी आहेत त्यांना बाहेर फिरण्यासाठी, बाहेर देशात जाऊन फिरण्यासाठी वेळ आहे, पण आमच्या जे बंधू आहेत शेतकरी आज तिथे मरतोय, कितीतरी लोकांचे मृत्यू झालेले आहेत, त्यांच्याकडे अजिबात त्यांना दखल द्यायलाही वेळ नाही आहे। जर शेतकरी जगला तर आपण जगू, या आशेने आम्ही पूर्ण शेतकऱ्यांना आज भारत बंद मध्ये नेहरू ब्लॉक तर्फे आम्ही पाठिंबा देत आहोत। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।